You're a superhero. ओके सो ही गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको जिस प्रकार की न्यू स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो को हम एलाइट मोशन ऐप से बनाएंगे। अगर आप एलाइट मोशन ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी बीटमार्क एंड सिग्निफाइड की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बीटमार्क एंड सिग्निफाइड को डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो मैं आपको बता दूँ, डाउनलोड करना थोड़ा सा इजी नहीं है, मतलब उतना इजी नहीं है। आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा फोटो डाउनलोड बिटमार एंड सिग्निफाइड का, उस वीडियो पे क्लिक करके जाके देख लेना कि कैसे डाउनलोड कर सकते हो। देख लोगे तो फिर बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। ओके, तो उस तरीके से डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब गाइस देखो, वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है बिटमार वाले प्रोजेक्ट में। और हाँ, दो फोन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अल मटेरियल्स वाले लिंक में आपको फोन एंड जो म्यूजिक होता है वो सब आपको मिलता है। ओके, तो आप चेक कर लेना। अब गाइस, यहाँ पे जो इन दोनों फोन को इंपोर्ट कर लेना। फोन इंपोर्ट करना आपको आता ही होगा, पहले फोन इंपोर्ट करना, तब जाके आपको प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना है, ताकि जो जितना भी लेरेस है सभी में आपका फोन पहले से लग जाए, नहीं तो आपको वन वन करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, तो गाइस अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको फोटो दिखाई दे रहा है, आपको फोटो यहाँ पे एड करना है। फोटो एड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, डन मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना एंड जो भी आपका फोटो है उस फोटो पे आपको टैप करना है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं अपनी फोटो को ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से मेरा ये फोटो है। फोटो को ऐड करना है और ओके, फिर आपको फिल कंपोजिशन एरिया करना है, फोटो पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके फिर आपको इस वाला एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रिम करना है। तो यही प्रोसेस है हमारा फोटो ऐड करने का। अब इस प्रोसेस से यहाँ पे जितना फोटो ऐड हो रहा है आपको सही फोटो को यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आपको सही फोटो को ऐड करना है और ट्रिम करते जाना है, ऐड करते जाना है, ट्रिम करते रहना है। तो लास्ट तक जितना फोटो ऐड हो रहा है पहले आपको फोटो को ऐड कर लेना। ओके, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो पहले आप अपनी फोटो को ऐड कर लो और मैं भी अपनी फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने सही फोटो को ऐड कर लिया है। सो गाइस, पहले आपको फोटो को ऐड कर लेना है। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अब फोटो ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इधर आना है। ओके, आगे और फोटो के पास आ जाना है इस प्रकार से। अब गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले ये जो फोटो दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे डबल बीट मार्क है उसके बाद जो फोटो स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे डबल बीट मार्क है एंड यहाँ पे फोटो स्टार्ट हो रहा है ये वाला। ओके, तो आपको करना क्या है, ये सीधा आप ध्यान देना यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। ओके, ये सीधा ध्यान दोगे यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। आपको करना क्या है, इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको आगे जाना है एंड यहाँ पे जो हमारा फिर से जो डबल बीट मार्क के बाद ये फोटो है, ये वाला फोटो, इसको सिलेक्ट करना है। ओके, फिर आगे जाना है और जहाँ जहाँ पे डबल बीट मार्क वाला फोटो है उस फोटो के सामने इधर जो लेयर है उसको सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे क्लिक करके। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करके आप सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो जितना भी डबल बीट मार्क वाला लेयर है सभी लेयर को इस प्रकार से आगे जाके आपको सिलेक्ट करते जाना है। ओके, तो जितना भी लेयर है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर लेता हूँ इस प्रकार से। तो आपको आगे जाते मतलब चले जाना है इस प्रकार से, मतलब आगे जा जाके इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। ओके, तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे लास्ट का जो है इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जितना डबल बीट मार्क के बाद जो लेयर फोटो है आपको सभी को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डुप्लीकेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे सभी का डुप्लीकेट निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। अब गाइस, जैसे आप डुप्लीकेट निकल जाता है आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है और आपको चले जाना है सिग्निफाइड वाला प्रोजेक्ट में। आप जैसे यहाँ पे आप आ जाओगे आपको क्या करना है, इस वाला इफेक्ट पर क्लिक करना है, मतलब नीचे वाला इमेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर देना है। कॉपी लेयर करने के बाद फिर आपको यहाँ से बैक आना है, फिर आपको चले आना है यहाँ पे बीट मार वाले प्रोजेक्ट में। ओके, अब यहाँ पे आपको आगे चले आना है और यहाँ पे जो भी डबल बीट मार वाले बाद जो फोटो है, मतलब डबल बीट मार के बाद जो फोटो है उस फोटो पर आना है और नीचे वाला जो फोटो दिखा दे रहा है इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करके आपको पेस्ट स्टाइल यहाँ पर क्लिक करना है एरो पे एंड यहाँ पे
पेस्ट स्टाइल एरो पे क्लिक करना है ओके। और यहाँ पे जो कलर वाला है इसको आपको अनटिक कर देना है एंड पेस्ट कर देना है इस प्रकार से ओके। तो जैसे आप पेस्ट कर दोगे इस प्रकार से आपको करना क्या है, अब यहाँ पे सभी में इस प्रकार से आपको पेस्ट स्टाइल करते रहना है। ये एक बार अनटिक कर दोगे सब अनटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना डबल बीट मार्क के बाद जो फोटो है नीचे वाला फोटो सभी में आपको इस प्रकार से पेस्ट स्टाइल कर देना है ओके। तो आपको नीचे वाले में करना है, इस बात का आप ध्यान रखना, ना कि ऊपर वाले में ओके। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सभी फ़ोटो में इस प्रकार से कर लेता हूँ। सॉरी गाइस, ये पेस्ट लेयर हो गया, तो मैं पेस्ट स्टाइल करता हूँ ओके। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करना है एंड पेस्ट स्टाइल करना है ओके। सो ये आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से मैं कर लेता हूँ ओके। अब जैसे पेस्ट कर लेंगे आपको यहाँ से बैक आना है, फिर आपको चले आना है सेकंड फाइल अपोजिट में और ऊपर जो इमेज है उस इमेज पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है इसका भी ओके। फिर यहाँ से बैक आना है, फिर आपको चले आना है इस प्रकार से सॉन्ग बीट मार ले पॉजिट में, फिर आपको आगे जाना है। अब जैसे आप आगे जाओगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे जो हमारा फोटो है जो डबल बीट मार के बाद जो ऊपर वाला फोटो है इस फोटो पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस फोटो पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड पेस्ट स्टाइल इस वाले एरो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पहले जो कलर है इसको अनटिक कर देना है, फिर आपको पेस्ट कर देना है। अब जैसे इसको पेस्ट कर दोगे इस प्रकार से हो जाएगा। अब गाइस क्या करना है, आपको सभी ऊपर वाले लेयर पे मतलब क्लिक कर करके आपको यहाँ पे पेस्ट स्टाइल कर देना है। तो वहीं पर आपको मतलब सेलेक्ट करना है जहाँ पर डबल फोटो है ओके, और डबल बीट मार के बाद जो डबल फोटो है फोटो पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर इस वाले आइकन पर क्लिक करके पेस्ट स्टाइल डायरेक्ट कर देना है ओके। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आपको पेस्ट स्टाइल करते जाना है। तो लास्ट जितना फोटो है यहाँ पे ऊपर वाले फोटो को सिलेक्ट कर करके आपको पेस्ट स्टाइल कर देना है ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा फोटो होने वाला है, बस कुछ फोटो बचा हुआ है, तो इसमें मैं ले लिया यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ओके। तो इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है ओके। सो यहाँ पे हम पेस्ट स्टाइल कर रहे हैं ना कि पेस्ट इफेक्ट कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखना, नहीं तो आप कॉपी इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट मत करना, इस पर वीडियो आपका नहीं बन पाएगी ओके। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है, फिर आपको चले आना है यहाँ पे जो इससे कि फेयर अपोजिट में और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो फोटो इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से बैक आना है, फिर आपको चले आना है सॉन्ग बीट मार्क में ओके। अब यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको करना क्या, आगे जाना है और जो हमारा फोटो है ओके जिसके पहले डबल बीट मार्क नहीं है उन सभी फ़ोटो में आपको इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देना है ओके। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितना फ़ोटो बचा हुआ है सभी फ़ोटो में इस वाले इफेक्ट को आप सिंपली यहाँ पे वन वन करके लास्ट तक पेस्ट कर देना ओके। तो जो सिंगल फ़ोटो बचा हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने पेस्ट कर दिया है, बट यहाँ पर जो है कलर ग्रेडिंग नहीं हो पाया है, तो उसके लिए आपको बैक आना है और गाइस चले आना है फिर से आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पर जो आपको चले आना है सेकेंड फेल अपोजिट में और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तीन ये जो लिखा हुआ है रिच टेंगल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है मतलब लॉन्ग प्रेस रखना है और इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है ओके। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके कॉपी थ्री लेयर करना है, फिर यहाँ से बैक आना है, फिर आपको चले आना है यहाँ पे और यहाँ पे आप चाहो तो शुरू से इसको पेस्ट कर सकते हो, अगर आप लिरिक्स पे रखना चाहते हो तो रख लेना, बट मैं लिरिक्स पे नहीं रखूँगा ओके। तो आपको यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे आपका इमेज स्टार्ट हो रहा है ओके। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद और पेस्ट थ्री लेयर करना है, फिर आपको लास्ट में चले आना है और इन तीनों लेयर को फिर से सिलेक्ट करके आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसका जो लेंथ है वो एंड तक लेके चले आना है। तो जैसे आप इतना कर लोगे आपकी जो फोटो में कलर ग्रेडिंग लग जाएगी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना मस्त कलर ग्रेडिंग है और वीडियो देखने में कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रही है ओके। तो आपकी जो वीडियो है वो बनकर तैयार हो जाएगी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपकी वीडियो को इस पर बनी है ओके। फिर आपको वीडियो को ऊपर शेयर आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से सपोर्ट कर सकते हो। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।